7 News। उज्जैन पुलिस ने मध्य प्रदेश के इतिहास में सट्टे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच, साइबर टीम, नीलगंगा और खारकुआ पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने ऑनलाइन एप्लीकेशन का उपयोग करने वाले 9 सट्टेबाजों को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के पास 41 मोबाइल फोन, 19 लैपटॉप, 1 आईपैड, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिम, 2 पेन ड्राइव, 3 मेमोरी कार्ड समेत अन्य सामान के साथ ही लगभग 15 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इसी के साथ ही विदेशी करेंसी के साथ करोड़ों के लेन देन का हिसाब किताब भी सामने आया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनके तार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले हुए हैं। पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि टीम को बीते दिन गुरुवार को सूचना मिली कि नीलगंगा थाना क्षेत्र स्थित 19 ड्रीम्स कॉलोनी के डुप्लेक्स नंबर 18 में पीयूष चोपड़ा के साथ पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ लोग कई दिनों से व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सट्टा खिला रहे हैं। सूचना पर उप पुलिस अधीक्षक क्राइम योगेश तोमर ने पुलिस टीम के साथ दबिश दी, जहां T20 वर्ल्ड कप के बांग्लादेश और नीदरलैंड का मैच पर सट्टा लगाया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए 9 आरोपियों में से 1 राजस्थान, 4 पंजाब और 4 नीमच के रहने वाले हैं। उनके पास 41 मोबाइल फोन, 19 लैपटॉप, 5 मैक मिनी, 1 आईपैड, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिमें, 2 पेन ड्राइव, 3 मेमोरी कार्ड जब्त किए गए हैं। यह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश में इस तरह के संगठित अपराध, जुआ, सट्टा और अन्य संगठित अपराध पे बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसी तारतम्य में लगातार हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इसी संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पीयूष चोपड़ा बड़े स्तर पे सट्टे का जो है ऑनलाइन कारोबार ये कर रहे हैं। इसको पिछले 1-2 दिनों में डेवलप किया गया और कल देर रात से पुलिस की टीमों ने उज्जैन में 2-3 जगहों पे दबिश की है, जिसमें मुसद्दीपुरा जो थाना खाराकुआ क्षेत्र में आता है और 19 ड्रीम्स कॉलोनी जो थाना नीलगंगा में आती है, यहाँ दबिश करके और बहुत बड़ी मात्रा में 14 करोड़ 58 लाख रुपीज़ कैश के रूप में बरामद किया गया है। 7 देशों की विदेशी मुद्रा, जिसमें कि पाउंड, डॉलर, दिरहम वगैरह शामिल है, वो बरामद की गई, जिसकी वैल्यूएशन भी लाखों रुपये में होगी। इसके साथ साथ 40 से ज़्यादा जो है वो मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड मिनीज वगैरह बरामद किए गए हैं। इसमें 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो निम्बाहेड़ा, लुधियाना और नीमच के रहने वाले हैं, जो ये बेटिंग का कार्य कर रहे थे। मुख्य आरोपी अभी पकड़ा नहीं जा सका है, जिसके लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं और ये पूरी रिकवरी और पूरी कार्रवाई को लेकर हमने जो एजेंसी जिसमें हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में कैश और कुछ मेटल भी, प्रेशियस मेटल भी रिकवर किए गए हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं, उसके लिए जो है आईटी और अन्य एजेंसीज़ को भी सूचना दी जा रही है, ताकि वो भी अपने स्तर पर वेरीफाई करके इसमें कार्रवाई कर सके। साथ ही साथ इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसका फॉरेन ट्रेवल बहुत रहा है, तो इसके लिए हम जो है बहुत जल्दी लगभग 1-2 घंटे के अंदर एक LOC भी हम जारी कर रहे हैं, ताकि ये देश से कहीं बाहर ना जाने पाए। करेक्ट, इनके परिवारजन, इनके ब्रदर, इनके अन्य जो परिवारजन हैं, उनकी भी इसमें संलिप्तता की प्रथम दृष्टया जानकारी है, उनको भी हिरासत में लिया गया है और इसमें पूछताछ की जाएगी। विदेशी करेंसी 7 देशों की है, जिसका वैल्यूएशन लाखों रुपए में होगा, तो उसको अभी आंकलन करके उसकी भी कार्रवाई और उसमें शामिल की कार्रवाई की जाएगी। इनकी पासपोर्ट तो अभी पुलिस ने अपने प्राथमिक जाँच के स्तर पर पुलिस ने सीज कर लिए, अपने पास रखा है और हमने IT और ED को हम सूचित करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक लुकआउट सर्कुलर होता है जो कि जारी किया जाएगा, ताकि ये देश से बाहर ना भाग पाए। ऐसा प्रथम दृष्टया हमको दिखता है इलेक्ट्रॉनिकली कि इनके कई देशों में भी संपर्क है, तो उसको देखते हुए हम इस पर बहुत जल्दी जो है लुकआउट सर्कुलर भी जल्द से जल्द जारी कर रहे हैं। इनके रिश्तेदार का, इस व्यक्ति के रिश्तेदार का किसी का मकान है जो कि कई वर्षों से यूज़ कर रहा था, तो उसकी भी पूरी डिटेल ली जाएगी, वो भी ड्यू कोर्स में चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा। उसमें भी कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं SNN 7 न्यूज़। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसके डिमांड ज्यादा और सप्लाई करने वाले कम, SIP म्यूचुअल फंड का बिजनेस। NJ इंडिया के साथ जुड़कर SIP म्यूचुअल फंड में पार्टनर बनकर पेशिव इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से। संपर्क करें 9827710237, 9300015005।